रमण काल से लेकर आज तक भक्तों के संकट दूर करने वाले संकट मोचन इन दिनों संपत्ति विवाद के चलते खुद संकट में है। स्थिति यह है कि कीचड़ और गंदगी से भरे तालाब के बीच हनुमान जी रहने को मजबूर हैं। सरकारी तंत्र से लेकर जनप्रतिनिधियों और हिंदू संगठनों की उदासीनता देखिए, किस ओर आज तक किसी का ध्यान नहीं गया। हर ओर गंदगी, कीचड़ और बीच में खड़े हनुमान जी। जिला मुख्यालय से महज 20 मिनट की दूरी पर स्थित मिनी वृंदावन के नाम से विख्यात चंदोसी नगरी के बनियाखेड़ा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत मौलागढ़ में स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर इन दिनों संपत्ति विवाद के चलते जर्जर हालत में है। ग्राम पंचायत और एक समुदाय के बीच संपत्ति विवाद में प्राचीन हनुमान मंदिर उलझ कर रह गया है। चारों ओर गंदगी का अंबार, कीचड़ में हनुमान जी की दुर्दशा हो चली है। इससे पूर्व भी कई बार भूमाफियाओं की नजर इस संपत्ति पर रही है, पर भूमाफिया अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। इस सारे मामले पर हिंदू संगठनों में रोष व्याप्त है। नगर के बुद्धिजीवी और हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी इससे खासे नाराज हैं। उन्होंने इस सारे मामले पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। जैसा कि आपने बताया और जैसा विदित है कि वहाँ मौलागढ़ स्थित जो हनुमान जी का मंदिर है उसकी स्थिति दयनीय तो है ही, क्योंकि वहाँ न पूजा है, न पाठ है, न किसी प्रकार का आना जाना करने देते हैं, लोग वहाँ रोक देते हैं। स्थिति यह है कि वहाँ कोई आदमी जो है जाता भी है तो उससे लड़ाई झगड़े पे आमादा हो जाते हैं। तो इसलिए मैं ये सोचता हूँ और मेरी ये राय है कि यहाँ का प्रशासन जो है इसमें थोड़ा दखल दे, जिससे कि कम से कम वहाँ पूजा अर्चना तो शुरू की जा सके। तो इसीलिए मैं अपने प्रशासन से ये दरख्वास्त करता हूँ कि भाई अपना वहाँ वर्चस्व दिखा करके। मैं कौशल किशोर वंदे मातरम, हिंदू जागरण मंच प्रदेश मंत्री, जो संभल जिले का, उत्तर प्रदेश के संभल जिले का चंदोसी नगर है, उसका ग्राम मौलागढ़ पे एक जमीन विवाद में, मेरे संज्ञान में आए एक जमीन विवाद में हनुमान जी का मंदिर, बरसों पुराना प्राचीन मंदिर है, और वो कीचड़, जमीन विवाद जब हो गया तो उसमें कीचड़ तालाब सा बन गया है। तो उस मंदिर की जो कोई देख रेख करने वाला नहीं, और कीचड़ होने के कारण उस मंदिर की दशा और बिल्कुल बिगड़ चुकी है। जो हनुमान जी की उस पर चोला भी चढ़ा हुआ था और केसरिया कलर का था, वो बिल्कुल ब्लैक 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 हो गया, काला काला सा हो गया है। उसकी दुर्दशा इतनी दयनीय हो गई है, ये विडम्बना है हिंदू समाज के लिए। ये सोचनीय प्रश्न है कि हम जिस ओर एक ओर इतने मंदिर धर्मशालाएं निर्माण हो रहे हैं, हर चंदोसी में भी, अपने नगर में भी इतने बड़े भव्य मंदिर बनाए जाते हैं, ऐसी धर्म प्रेमी जनता है, हिंदू समाज हर वक्त आगे रहता है, लेकिन उतने कुछ होते साथे उस मंदिर के लिए आज तक कोई भी आगे नहीं आया। मेरे संज्ञान में आया तो हमने ये मुद्दा उठाया है। जो विवाद एक तरह एक अलग चीज़ है, लेकिन उस मंदिर का पुनरुद्धार होना चाहिए, जीर्णोद्धार होना चाहिए। जनप्रतिनिधि, शासन प्रशासन के व्यक्तियों को भी ये सोचना चाहिए इतने प्राचीन मंदिर की इतनी दुर्दशा क्यों है। अभी हमारे जो संज्ञान में आया इस मंदिर की जीर्णोद्धार के लिए, हम लोग प्रशासन से भी मांग कर रहे हैं, और यदि कोई इसमें आगे नहीं बढ़ता है हिंदू समाज को लेकर, हम इस मंदिर के पुनरुद्धार के लिए, इसके जीर्णोद्धार के लिए, जो वास्तविक रूप में हनुमान जी का उसमें रूप आ सके, उस मंदिर की पूजा अर्चना हो सके, हम इसके लिए आगे के लिए आंदोलनरत होंगे और संघर्ष करेंगे। सभा के राष्ट्रीय सचिव हैं, चंदोसी से बाईपास स्थित मौलागढ़ के सामने संपत्ति विवाद में एक प्राचीन हनुमान जी का मंदिर फंसा हुआ है, वो काफ़ी दयनीय स्थिति में है, कीचड़ में है, गंदगी में है, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, कोई मंदिर से संबंधित, मस्जिद से संबंधित, गुरुद्वारे से संबंधित कोई भी चीज़ है, वो संपत्ति का आधुनिकीकरण नहीं, अब तो कह सकते हैं अत्याधुनिकीकरण होना चाहिए। अत्याधुनिकीकरण का मतलब है उसको वहाँ पर जो मंदिर बन सकता है, बैठने की जगह बन सकती है, पूजा स्थल बन सकता है वो, लेकिन किसी को किसी की संपत्ति पर्सनली है वहाँ पर, तो उससे परमिशन लेना भी ज़रूरी है, उसकी संपत्ति को खतरा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो उन लोगों से बात करके, सब हिंदू संस्कृति में, मुस्लिम संस्कृति में, खासतौर से दो हिंदुस्तान की संस्कृतियाँ बहुत पुरानी हैं, इनमें से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस चीज़ को मना कर दे, क्योंकि कहाँ अयोध्या मंदिर के लिए तमाम बोर्ड थे, सब लोगों ने कह दिया कि हमें स्वीकार है अब, क्योंकि विवादित चीज़ चली आ रही थी और विवाद ख़त्म करने के लिए उन्होंने अच्छे सा काम दिया, अपना दिल बड़ा किया। इसी तरह से कुछ लोगों को दिल बड़ा करना चाहिए, उन लोगों से हम, आप और सामाजिक लोग जाके बात करें
और यदि वो उनकी संपत्ति की मामला है तो संपत्ति का उस जगह का हम पैसा इकट्ठा कलेक्ट करें उनके लिए, अगर वो नहीं मान रहे हैं, और उस पैसे को देके उसका भव्य निर्माण जो हो सकता है उसे करने की कोशिश की जानी चाहिए।